हेलो गाइस, सो कैसे हो यार आप लोग। आई होप गाइस आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये गाइस मेरा ना 10वां बार का टेक है। ओके चलो छोड़ो, अब 10वां बार रहा है, 12वां बार रहा है, अभी जो बोलूंगा वो अभी बोलूंगा मैं। ओके तो गाइस फिर से हम लोग बनाने जा रहे हैं टीपीपी पे, या भाई टीपीपी बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं। ओके टिप्स एंड ट्रिक पे वीडियो। ओके तो ये सेकंड वीडियो होने वाला है, और भाई मैं क्या ही बोलूँ, कितनी बार टेक ले लिया मैंने। चलो छोड़ो ये सब चीज़। तो गाइस सबसे पहले आते हैं फर्स्ट टिप पे। ओके फर्स्ट टिप क्या है? फर्स्ट टिप है टीपीपी भाई, टीपीपी। हाँ सही सुना आपने, टीपीपी जिसको लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा भाई, वो आपके लिए ही बनाए गए हैं। अगर टीपीपी वाला गेम खेल रहे हो आप, एफपीपी नहीं खेल रहे हो, टीपीपी खेल रहे हो, तो टीपीपी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, ले लो, क्योंकि वो आपको ही लेने के लिए दिया गया है। टीपीपी लेके आप बंदे का लोकेशन आसानी से जान सकते हो कि कहाँ पे है वो बंदा, ठीक है, अगर बंदा आपको शो हो रहा है तो, ठीक है। उसके बाद जानो तो फिर बस बात ख़त्म यार, जाके आपको पेलना है और क्या है, और कुछ नहीं है ब्रो। तो टीपीपी लो, ज़्यादा से ज़्यादा लो, जितना समय आप लेना चाहते हो लो भाई, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा टीपीपी लेने में ना आपको 1 दिन भी लग जाए तो लो आराम से। ओके टीपीपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट भाई, अगर बैटल रॉयल आप खेल रहे हो टीपीपी वाला, तो यार ध्यान रखो। ओके और सेकंड टिप्स एंड ट्रिक है गाइस प्री फायर। प्री फायर बहुत जगह यूज़ होता है और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है, और भाई प्रो प्लेयर लोग ना भाई इसी के चक्कर में बचते हैं। ओके प्री फायर के चक्कर में बचते हैं। अब प्री फायर के अंदर आता है गाइस 2 चीज़ आता है, फिर से टीपीपी आता है, टीपीपी मैंने आपको बता दिया, और एक आता है भाई साउंड। ओके साउंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। ओके क्योंकि प्री फायर में होता है कि आपको पहले से फायर करना है, बंदे को पहले से फायर करना है। तो एक चीज़ टीपीपी में, लाइक आपके सामने से कोई बंदा आ रहा है, आप टीपीपी ले रहे हो, तो आप पहले से फायर करते हुए निकल सकते हो, ठीक है। और पहले से प्री फायर में पहले से फायर करते हुए निकलोगे तो ये होगा कि आपकी गोली बंदे को, मतलब आपकी 10 गोली बंदे को पहले टच कर लेगी, ठीक है, क्योंकि आपने पहले से फायर किया, उसके बाद बंदे की गोली आपको टच होगी। तो ऐसा होता है कि प्री फायर में आप बंदे को पहले ही नॉक कर सकते हो, बहुत पहले। बंदा सोचेगा कि नहीं कि भाई अभी मेरे पे फायर होने वाला, और प्री फायर में ख़त्म, ठीक है। और यार साउंड भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यार देखिए, अगर आपने साउंड पे ध्यान नहीं दिया ना, तो भाई क्या ही बोलूँ, ख़त्म है भाई आपका रोल। बिकॉज प्री फायर में भाई साउंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए अगर बंदा घर में है, ठीक है, घर के ऊपर है, अब आपको पता नहीं है कि बंदा नीचे कब आएगा, ठीक है ना, तो आपको साउंड पे निर्भर रहना पड़ेगा। जब बंदा नीचे आया ना, तब आपको फट से प्री फायर देते हुए उसे ख़त्म कर देना भाई। प्री फायर पहले से फायर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर सही से आपको गेम प्ले करना है तो, ठीक है। उसके बाद है भाई थर्ड है ग्लू वॉल। तो यार थर्ड ग्लू वॉल ना भाई, ग्लू वॉल को मैं क्या ही बोलूँ यार, वो तो ओपी है भाई प्री फायर में ना भाई, ओपी बना रखा है ग्लू वॉल को। ओके तो गाइस ग्लू वॉल को आपको भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। बिकॉज यार देखिए, आपको ना ही ग्रेनेड रखना है, आपको ना ही स्मोक रखना है, आपको ना ही और कोई चीज़ें रखनी है, पहले में आपको रखना है ग्लू वॉल, ताकि आप फट से बटन टच करें और ग्लू वॉल आपके सामने आए, ठीक है। तो गाइस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए ग्लू वॉल को, अगर आपको मैच आपके हाथ में रखना है। क्योंकि भाई जितने भी प्रो प्लेयर्स देखो या जितने भी अच्छे प्लेयर्स देखो, वो लोग करते क्या है, पहले बंदे पे फायर करते हैं और फट से ग्लू वॉल लगाते हैं। तो यार ग्लू वॉल को भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चालू कर लो। ओके और गाइस फोर्थ होता है भाई आपका, आपको पता है ना, ड्रैग। ओके ड्रैग सुन के पागल हो गया मैं। तो यार मैंने सोचा चलो इस पर भी बना देते हैं एक तो वीडियो। तो भाई ड्रैग के लिए ना आपको करना क्या है, आपको ना अपना जो कैमरे का लोकेशन है वो नीचे नहीं रखना ब्रो, ठीक है। पोजीशन ना आपको लाइक ऐसे रखना है कि बंदे के सीने तक जाए आपका एम। ओके बंदे के सीने में जाए, एग्जैक्ट बंदे के सीने में जाना चाहिए जो आपका एम है। उसके बाद आप कर सकते हो ड्रैग हेडशॉट। ओके कैसे करना है, आपके बंदे के सीने के पास जाएगा ना, उसके बाद ड्रैग वाला बटन दबा के थोड़ा सा ऊपर कर दो। उससे होगा ये कि 1-2 गोली सीने पे लगेगी, और आपका एम तो ऊपर जा रहा है तो सीधा उसके हेड पे पड़ लेगा गोली, और भाई 2 भी गोली बंदे पे पड़ गई ना, ख़त्म है बंदा। ओके क्योंकि आपने पहले से डैमेज सीने में दे दिया है 2-3 गोली का, ठीक है। तो ये होता है यार ड्रैग शॉट की सही टेक्निक। और गाइस 5 आता है गन्स। तो यार मैं ये बोलूँगा कि आप एक गन लो कोई,
चाहे वो क्लोज रेंज का हो या लॉन्ग रेंज का हो। आपको एक गन लेना है और उस पर आपको मास्टर कर लेना है। ओके गाइज, उस पर मास्टर कर लो। लाइक ऐसा है कि वो गन मेरे हाथ में आ गया ना भाई, उसके बाद मेरे को कोई छू के तो दिखाए, ठीक है। अब भाई वो क्या ही बोलूँ भाई, मैं तो भाई इसमें तो ट्रेंड चल रहा है भाई, क्या ही बोले, मतलब फ्री फायर में ट्रेंड चल रहा है यार डबल बैरल गन का। ओके डबल बैरल शॉर्ट गन का ट्रेंड चल रहा है। जो भी बच्चा बच्चा भी बोलेगा मेरे को डबल बैरल वाला दो, मुझे डबल बैरल वाला, ऐसा नहीं है भाई, डबल बैरल ही ओपी नहीं है, ठीक है भाई। जिस दिन डबल बैरल का तोड़ आपको मिल गया ना, क्यों डबल बैरल ओपी है, क्योंकि आप लोग यूज़ करते हो, ठीक है। आप दूसरे गन्स भी यूज़ करोगे ना भाई, डबल बैरल वाला बंदा ना इतनी गंदी तरीके से मारेगा भाई। डबल बैरल वाले बंदे को मैंने कई बार मारा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई डबल बैरल में होता है कि क्या है, दो गोली, अगर दो गोली आप पे छूट गई ना भाई तो आप ख़त्म, और नहीं छूटी ना भाई तो आप उसको पेल दोगे, क्योंकि भाई डबल गोली के बाद आपको रिलोड करना तो पड़ता ही है यार, समझ रहे हो। तो कोई एक गन लो जिसमें आपको मास्टर कर लेना चाहिए। ओके और भाई एडवांस में एक तो और टिप्स दे देता हूँ, चलो टिप्स नंबर क्या ही बोल दिया मैंने, ओके छोड़ो, टिप्स नंबर 6। ओके टिप्स नंबर 6 भाई ये है कि आपको बंदे को एब्जॉर्ब करना है, सामने वाले बंदे को एब्जॉर्ब करना है आपको। लाइक उसके उस पे ना पुश करने से पहले आपको जान लेना है कि उस बंदे के पास क्या क्या है। हम बाकी चीज़ें नहीं जान सकते, लेकिन एक चीज़ है जो बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। ओके वो है उसका गन। ओके उस पर क्लोज रेंज का गन है या लॉन्ग रेंज का गन है, ओके उसके बाद आप पुश कर सकते हो भाई। बिकॉज यार देखो, बंदे के पास लॉन्ग रेंज का गन है और वो क्लोज रेंज फाइट लेगा तो वो नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास क्लोज रेंज फाइट है तो मतलब क्लोज रेंज गन है तो आप उसको पेल सकते हो, ठीक है। लेकिन यार ये याद कंफर्म कर लो कि यार आराम से लो, टाइम लो, जितना भी टाइम लेना है आपको पुश करने से पहले लो, लेकिन कंफर्म कर लो कि बंदे के पास डबल बैरल है या MP5 है या फिर कोई AKM वगैरह है या SKRL है। ओके दोनों गन कंफर्म करो पहले, ठीक है। और ना भाई क्या ही बोलो, बस दैट्स इट। और यार हमारा एक दोस्त आज नाराज हो गया आयरन मैन। गाइस आयरन मैन के नाम पे एक तो कमेंट ठोक दो यार, बोलो जस्ट चिल ढोंडू जस्ट चिल। ओके तो यार जितने भी बंदे हो ना भाई, कुछ मत लिखना, हाय हेलो बाय जो भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखना। अगर लास्ट तक वीडियो देखे हो तो लिख देना जस्ट चिल ढोंडू। ओके बिकॉज ये आयरन मैन के लिए। ओके और यार क्या ही बोलो यार, दोस्त लोग नाराज होते रहते हैं, साले नुबड़े होते हैं सबके सब। ओके अब आपके ऊपर है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक करें, और यार शेयर करना मत भूले, लाइक फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा जिसमें भी आप कर रहे हो कर डालो भाई लोग। और यार इतना वीडियो देख लिया, सब्सक्राइब का बटन कब दबाने को सोचा है, कब सोचे हो आप सब्सक्राइब का बटन कब दबाना, जब भी दबाना दबा देना। ओके बाय बाय टेक केयर, आप सभी के सभी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी रोज नई वीडियो लेके।